कक्षा सप्तमी विषय विज्ञान पाठ दो प्राणियों में पोषण। हमने पिछले वीडियो के अंतर्गत पढ़ा था कि मनुष्य के अंदर पाचन या पोषण किस प्रकार होता है। उसके अंदर हमने पाचन तंत्र के बारे में पढ़ा, जिसके अंदर अंग और ग्रंथियां थी। अब हमारा अगला टॉपिक है घास खाने वाले जंतुओं में पाचन। अब घास खाने वाले जंतु पाचन किस प्रकार करते हैं उसके बारे में हम जानते हैं। जो शाकाहारी जंतु होते हैं जैसे गाय, भैंस, बकरी, हिरण, क्या आपने कभी उन्हें देखा है? जब वो खाना नहीं खाते हैं उसी टाइम भी जुगाली करते हैं। जुगाली का कहने का मतलब है वो अपना मुँह चलाते रहते हैं, लेकिन वो उस टाइम भोजन ही नहीं कर रहे हैं, खाना ही नहीं खा रहे, तो पाचन वो वहाँ जुगाली उस टाइम कैसे करते हैं उसके बारे में। सबसे पहले एक नाम आया रुमेन। रुमेन क्या होता है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। शाकाहारी जंतुओं जैसे गाय, भैंस, बकरी घास द्वारा घास जल्दी जल्दी निकलकर आमाशय के एक भाग में भंडारित कर लेते हैं। यानी जो शाकाहारी जंतु होते हैं वो कोई भी चीज़ खाते हैं घास, वो जल्दी जल्दी एक साथ खा लेते हैं फटाफट, और वो एक आमाशय, उनका जो आमाशय उसके एक भाग में भंडारित होते हैं, और यही भाग रुमेन कहलाता है। वो भाग क्या कहलाएगा उसका? रुमेन। फिर है जुगाल। जब वो ऐसे ही बैठे रहते हैं यानी जब खाते नहीं हैं, तो उस टाइम जो अपना मुंह चलाते हैं उसे जुगाल कहते हैं। जैसे रुमेन में भोजन का आंशिक पाचन होता है, रुमेन में जो आंशिक पाचन होता है जिसे जुगाल कहते हैं। अब देखो क्या है, जब जंतु भोजन के पिंडकों के रूप में पुनः मुख में लाता है तथा जिसे वह चबाता रहता है, इस प्रक्रम को रोमंथन या जुगाली करना कहते हैं। यानी जब पशु बैठे रहते हैं और वो भोजन को वापस मुंह में लाता है एक छोटे छोटे पिंडकों के रूप में, यानी तोड़ करके लाता है, तो उसे जुगाली करना नॉर्मल भाषा और ऐसे कहते हैं रोमंथन कहते हैं, तथा ऐसे जंतु रूमिनेंट अथवा रोमंथी कहलाते हैं। अब अमीबा में पाचन। हमने मनुष्य में पाचन पढ़ लिया और जानवरों में भी। अब अमीबा, अमीबा एक कोशिकीय जीव होता है जिसका पूरा शरीर, शारीरिक संरचनाएं होती है वो एक कोशिका पर डिपेंड करती है। अब अमीबा जो पाचन के लिए, अमीबा कुछ सूक्ष्म जीवों का आहार करता है, यानी अमीबा अपने पाचन के लिए, भोजन के लिए सूक्ष्म जीव लेता है। जब इसे भोजन का आभास होता है, जब इसे ऐसे लगता है कि मेरे आसपास कोई भोजन है, तो ये खाद्य कणों के चारों ओर पादाब विकसित करता है। जो खाद्य कण है उसके चारों ओर पादाब, पादाब का अर्थ होता है कि एक अमीबा है वो अपनी आकृति में निश्चितता जो भी है उसका आकार बदल सकता है, और उसी से वो अंगुली जैसे, अंगुली समान जैसे प्रवर्ध निकालता है जिसे पादाब कहते हैं। वो पादाब विकसित करते उसे निगल लेता है, यानी उसे अपने अंदर की तरफ ले लेता है, तथा खाद्य पदार्थ उसके खाद्य धाने में फंस जाते हैं और वहाँ पे अनेक रासायनिक पदार्थों द्वारा उसका पाचन कर लिया जाता है।